वीडियो में दिख रहे इस मैदान को देख लीजिए। ये मैदान और परिसर का निर्माण कराया तो गया था शूटिंग रेंज में फायरिंग सीखने और प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन भला हो लखनऊ नगर निगम का जिन्होंने इसे कुत्ता घर यानी कुत्तों की नसबंदी का अस्पताल बना दिया। दरअसल लखनऊ के सरोजिनी नगर के नारदगंज क्षेत्र में विश्व स्तरीय शूटिंग रेंज बना हुआ है, जिसमें सीखने वाले और यहां तक कि एटीएस के कर्मचारी भी शूटिंग रेंज में प्रैक्टिस करने आते हैं। लेकिन आलम यह है कि नगर निगम को आवारा कुत्तों के ऑपरेशन के लिए जब कोई जगह नहीं मिली तो इस शूटिंग रेंज की बिल्डिंग में ही कुत्तों के ऑपरेशन करना शुरू कर दिए। तकरीबन 13 करोड़ की लागत से 35 एकड़ में बने इस शूटिंग रेंज को तैयार किया गया है, जहां पिस्टल, राइफल, डबल ट्रैप और एयर राइफल की शूटिंग की जाती है। यहां की हकीकत जानने के लिए जब हमारे सहयोगी आशीष यहां पहुंचे तो देखिए उन्होंने क्या देखा। हम इस समय मौजूद हैं उस शूटिंग रेंज के गेट पे। आखिर इस शूटिंग रेंज में अब कुत्तों की नसबंदी शुरू कर दी गई है। साफ तौर से शहर के उन कुत्तों को पकड़कर लाकर यहाँ पर उनकी अब नसबंदी की जा रही है। और ऐसे हालात में किस तरीके से ये रख रखाव है यहाँ पर, चूंकि ये शूटिंग रेंज वर्ल्ड क्लास का है, और हम इस समय शूटिंग रेंज के अंदर जाएंगे और यहाँ से हम आपको दिखाते हैं कि आखिर यहाँ पे गार्ड भी मौजूद हैं। और ये देखिए इनसे ये बताइए, ये शूटिंग रेंज है यहाँ पर? डॉक्टर साहब शूटिंग रेंज है, शूटिंग रेंज है तो यहाँ पर तो अब हम देख रहे हैं कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी है, वो क्या कर रही है? अब वो कुत्ते वालों से पूछो, हमसे क्या मतलब? नहीं तो ये कैसे अंदर आ गई कुत्ते वाली गाड़ी? वहाँ तो शूटिंग वो ऊपर का रहा, वो गौशाला काढ़ा पोल वाले जाने, नगर निगम जाने, हमसे नहीं मतलब, हमारी ड्यूटी लगी, हम ड्यूटी देख रहे हैं। अच्छा, तो ये गार्ड है यहाँ पर मौजूद, उनका मानना है कि अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। साफ तौर से ये शूटिंग रेंज हम आपको दिखाएं, ये तकरीबन 35 एकड़ में मौजूद है और हम इसके अंदर मौजूद है। यहाँ पर इस शूटिंग रेंज की बात करें तो यहाँ पर 5 mm पिस्टल से लेकर 50 mm पिस्टल तक की शूटिंग रेंज तैयार किया गया, जो एक वर्ल्ड क्लास शूटिंग रेंज है। और उस शूटिंग रेंज के द्वारा यहाँ पर देश सही प्रदेश सभी के लोग यहाँ पर आकर शूटिंग करने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन इसके हालात जो है वो पूरी तरीके से जर्जर हैं। यहाँ की व्यवस्थाएं अव्यवस्थित तरीके से हैं। अब हालात ये आ गए हैं कि नगर निगम में यहाँ पर इनको कुत्तों के लिए नसबंदी शुरू कर दी है, क्योंकि जब उनको जगह नहीं मिली तो उन्होंने इस शूटिंग रेंज को जो करोड़ों रुपए से तैयार किया गया है उसको यहाँ पे शुरू कर दिया है। मैं तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा कि ये वो शूटिंग रेंज है, यहाँ पर वॉलंटियर हैं जो कि कुत्तों की नसबंदी के लिए तैयार किए गए यहाँ पर खड़े हुए हैं और वो अपना कार्य कर रहे हैं। ये पूरा परिसर जो है वो शूटिंग रेंज का है, लेकिन अब इसमें कुत्तों की नसबंदी होती है। साफ तौर से करोड़ों रुपए से तैयार किया गया ये परिसर, ये करोड़ों रुपए से तैयार किया गया ये परिसर अब कहीं ना कहीं जो है शूटिंग रेंज ना होकर कुत्तों की नसबंदी के लिए जाना जा रहा है। नगर निगम ने कुत्तों की नसबंदी का ये काम एक ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल नाम की एक संस्था को दिया है, लेकिन जब हमने यहाँ के वॉलंटियर से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। ये बताइए आप लोग क्या काम करते हैं यहाँ पे? हम लोग के बोलना अलाउ नहीं अभी है। अच्छा, आप बताइए क्या काम क्या वैसे होता है यहाँ पर? कोई एबीसी सेंटर खोला गया है, अपना चल रहा है सिस्टम, आपको जो भी जानकारी चाहिए आप लोग हमारे फैसिलिटी पे हॉस्पिटल पे आइए, डॉक्टर साहब हैं, आपके द्वारा पूछे गए हर एक जानकारी वो देंगे। तो यहाँ पर कुछ वॉलंटियर हैं, ये वो परिसर है, मैं आपको बताऊं कि जिसमें शूटिंग रेंज का ये पूरा परिसर है, तकरीबन 13 करोड़ से ऊपर की लागत से बनाया गया है। लेकिन आज यहाँ पर जो हालात हैं वो इस कदर हैं कि यहाँ पर जो है कुत्तों की नसबंदी की जा रही, आवारा जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको पकड़कर यहाँ पर लाया जा रहा है और उसके बाद उनकी नसबंदी की जा रही है। तो आगे शूटिंग रेंज जो बहुत मांग है उत्तर प्रदेश में और वर्ल्ड क्लास का तैयार किया गया है, हालात इस कदर हैं कि यहाँ पर अब नसबंदी की तैयारी की जा रही है। आखिर वो जो व्यवस्थाएं जो सरकार दावे करती है कि व्यवस्थाएं शूटिंग रेंज के रूप में दी गई थी, करोड़ों रुपया खर्च किया गया था, करोड़ों फाइलें चली थी, लेकिन जीरो तक ग्राउंड पे अभी मौजूद है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। और शूटिंग रेंज के हालात ये हैं कि कुत्तों की नसबंदी अब नगर निगम ने वहां शुरू कर दी है। वहीं जब यहां पर चल रहे कुत्तों की नसबंदी के इस केंद्र के बारे में हमने नगर निगम के प्रबंधक यतेंद्र त्रिपाठी से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा।
ये बताइए किस तरीके की अब ये एक्टिविटी है और कहाँ लाया जा रहा है, उनको क्या प्रक्रिया है? ये अभी स्वाइनों की जो आबादी बढ़ गई है उसको नियंत्रण में लाने के लिए अभी हमारा एक शेल्टर वहां पे चल रहा था इंदिरानगर में, और दूसरा शेल्टर अभी यहां पे स्टार्ट किया गया शूटिंग रेंज में। ये बिल्डिंग अनुपयोगी थी तो इस बिल्डिंग का उपयोग भी हो जाएगा और प्लस स्वाइनों का बध्याकरण भी चालू हो जाएगा। अभी फिलहाल हमने 11 अप्रैल से चालू किया है और लगभग 30 स्वाइन का ऑपरेशन हम कर चुके हैं। इसको 35 से 40 प्रतिदिन करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, अगले हफ्ते से वो भी चालू हो जाएगा। इसमें जो शूटिंग रेंज है उसका प्रयोग भी होता है किस तरीके से? हाँ, शूटिंग रेंज में जैसे कोई भी आम आदमी लाइसेंस बनवाने आता है लखनऊ में अगर रिवॉल्वर का, तो उसकी प्रैक्टिस और लाइसेंस के लिए यहीं पे उसको आना होता है। प्लस एटीएस जो है वो हर हफ्ते यहाँ पे आके ट्रेनिंग करती है शूटिंग रेंज में, बाकी और दिन ये खाली रहता है, तो दोनों काम एक साथ इसमें हो जाएंगे। तो ये जो शूटिंग रेंज होगी, लगभग मैं जानना चाह रहा हूँ इसके बारे में कितनी बड़ी होगी और ये कितना इसका प्रेमिसेस होगा? शूटिंग रेंज का जो एरिया है वो लगभग 65 बीघे के आसपास का पूरा एरिया है, और ये जो स्वान बध्याकरण का जो कार्यक्रम है ये सिर्फ मात्र एक बिल्डिंग में चल रहा है, वो बिल्डिंग 10,000 स्क्वायर फीट में लगभग बनी हुई है। जी जी, तो जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं क्या इसके लिए अलग से एक्सपेंस भी आ रहा है, खर्च भी आ रहा है? हाँ, इस पर जो संस्था हमारे साथ में जुड़ी हुई है, जो संस्था हमारे साथ जुड़ी है वो संस्था HSI ह्यूमन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल करके है, तो उनको जो है नगर निगम 1,000 रुपये प्रति कुत्ते का देता है उनको ऑपरेशन करने के लिए, जिसमें उनका काम है कि वो जगह पर जाके कुत्ते को पकड़ेंगे, यहाँ पे लाएंगे, ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन के बाद में 4 से 5 दिन उसकी देखभाल और वापस उसको वहीं पे छोड़ेंगे जाके जहाँ से उन्होंने उठाया होगा। तो शूटिंग रेंज क्या बराबर चलती रहेगी इसके साथ साथ काम का, मतलब जो लोग शूटिंग करने आते हैं वो करते रहेंगे या? हाँ, वो शूटिंग रेंज प्रॉपर वैसे चलती रहे। अभी ATS वाले कल संडे है, हर संडे को आते हैं वो लोग, संडे को अपना शूटिंग का कैंपस अलग है वहाँ पे, ये बिल्डिंग अलग पड़ी हुई थी, तो दोनों चीजें आराम से चलती रहेंगी। ये बताइए कि लगभग ये भी नगर निगम की पहली बिल्डिंग है, ये कितना निर्माण में शूटिंग रेंज बनने में कितना लगा होगा पैसा लगभग? ये तो बहुत पहले से शूटिंग रेंज बना, 2010 में बन गया था और शुरुआती इसकी लागत जो थी वो लगभग 30 करोड़ के आसपास की थी 2010 में। अच्छा। तब से बन गया था यहाँ पे। ठीक है, तो ये यतीन्द्र त्रिवेदी जी है, साफ तौर से मानना ये है कि जो शूटिंग रेंज थी अभी उसमें जो पशु हैं, आवारा पशु हैं, उनको लाया जा रहा है और उनका बध्याकरण किया जा रहा है, उनका ऑपरेशन किया जा रहा है, और उस स्थिति में चूंकि और जगह भी होता था लेकिन अब इस बार जो है शूटिंग रेंज में किया गया है और शूटिंग रेंज के साथ साथ शूटिंग भी वहां पर चलती रहेगी, तो एक ही प्रेमिसेस में दोनों चीजें मौजूद रहेंगी। फिलहाल प्रशासन भले ही दावा कर रहा हो कि शूटिंग रेंज में शूटिंग की जाती है और नसबंदी के लिए सिर्फ एक ही भवन का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन इन सभी व्यवस्थाओं में जो एक बात साफ तौर पर निकल आती है कि करोड़ों की लागत से बने शूटिंग रेंज की हालत अब खस्ता है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, UP तक।